तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो होती है प्रोबेबिलिटी में, उस पर काम करते हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो स्टेटमेंट पहले, इफ ए एंड बी आर एसोसिएटेड या रैंडम इवेंट्स लेते हैं, रैंडम इवेंट्स कोई भी दो रैंडमली सस्ते, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जबकि ए हो चुकी है और साथ में फिर जब ए हो चीज है नीचे तो ए नॉन जीरो हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर पहले बी की प्रोबेबिलिटी लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखो, लेकिन बी हो चुका है तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉन जीरो कौन से। तो ये प्रूफ करना है, क्या कहा जा रहा है समझ में आया? हाँ तो मेरे पास ये एक सैंपल स्पेस है, हो सकता है और भी इवेंट्स हो हमें नहीं पता, बस ये ए है ये बी है समझिए, ये वेन डायग्राम है। लेट एस बी द सैंपल स्पेस, विद इस सैंपल स्पेस में मान लो टोटल इवेंट्स एन है, एम सैंपल स्पेस विद एन एलिमेंट्री इवेंट्स, मतलब इस पूरे वेन डायग्राम में एन एलिमेंट है। तो ए में मान लो एम वन है, बी में एम टू मान लेते हैं, तो मैं ऐसे करता हूँ लेट एम वन एम टू नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स फेवरेबल टू, मैंने दो, अब ए और बी में मैंने कहा कि एम वन इवेंट है बी में एम टू है, तो इंटरसेक्शन में भी लिख देने चाहिए थे मैंने एम वन एम टू एंड एम थ्री चल लेते हैं। एलिमेंट्री इवेंट्स फेवरेबल टू ए बी और तीसरा वाला ए इंटरसेक्शन बी रिस्पेक्टिवली, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी? ए के फेवर में एम वन इवेंट है टोटल एन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एम टू अपॉन एन है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एम थ्री अपॉन एन है। ये क्लियर हुआ? ये ठीक है या नहीं? क्लियर है? अच्छा, हाँ क्लियर है। एक बात बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए कहूंगा अगर, तो बी बाई ए का मतलब क्या हुआ? अगर मैं ए को सैंपल स्पेस मानू
तो बीटे होने के कितने चांस हैं? यही हुआ, ए को सैंपल स्पेस मान लूं तो बीटे होने के क्या चांस है? ये लाइन समझ में आ रही है क्या? हाँ। तो बच्चों देखो, अगर ए को सैंपल स्पेस मानोगे वेन डायग्राम में पूरा ए, उसमें से बी होने के चांस, तो यही वाला शेडेड पोर्शन बचेगा क्या? इसमें तो बी इतना ही है और रंग चला, तो इस बात को लिखिए, मतलब चले ठंडे प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ पी इफ ए इज सैंपल स्पेस, ए को सैंपल स्पेस मानोगे तो ए में टोटल एलिमेंट कितने हैं? एम वन ए में एम वन है और ए और बी में एम थ्री एलिमेंट हैं। हाँ, तो ये एम थ्री अपॉन एम वन आ जाएगा। हाँ अच्छा, ये आ गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। अब सिमिलरली, अब दोबारा पूरा लिखना जरूरी नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी सोचो तो ऐसे ही, बी को सैंपल स्पेस मानो उसमें ए होने के चांस एम थ्री अपॉन एम टू। अच्छा चलो, मैं यही डायग्राम दिख रहा तो यही लिख लेता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जितना दिख रहा है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एम थ्री अपॉन एन एन टोटल सैंपल्स, ठीक है? ठीक हो गया। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख दू, एम थ्री अपॉन एम थ्री अपॉन एन है, एम थ्री अपॉन एम वन इंटू एम वन अपॉन एन लिख सकता हूं? एम थ्री अपॉन एम वन कितना है जरा देखो, तो लेफ्ट साइड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए और एम वन अपॉन एन बी ए, तो उसको पहले लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो वो सिस्टमेटिक हो जाता है थोड़ा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी प्रूव हो गया, ठीक, पी ए इंटू पी बी। एक बार और सोचो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी जो था, मतलब जो एम थ्री अपॉन एन था, क्या मैं उसको एम थ्री अपॉन एम वन की जो एम टू इंटू एम टू अपॉन एन लिख सकता था? हाँ, तो ये क्या बन जाता, एम थ्री अपॉन एम टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इंटू प्रोबेबिलिटी। हाँ, तो उसको सिस्टमेटिक कर लेना चाहिए थोड़ा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जबकि ए हो चुका है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेकिन जब बी हो चुका है। क्लियर हुआ? हाँ क्लियर है।
क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी प्रूफ हो गया? हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी मैं आपको पिछले लेक्चर में करा रहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्या ये हो चुका है? देखो तो हाँ दोनों हो चुके हैं ना, मतलब मैंने वहां कहा था कि प्रूफ मैं आगे बताऊंगा, अभी प्रूफ नहीं। तो मेरे ख्याल से इतनी बातचीत से कुछ नहीं है प्रूफ में, पूरा देखो एक बार, ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है। तो टोटल सैंपल स्पेस में एन इवेंट्स हैं, ए और बी में एम वन एम टू और इंटरसेक्शन में एम थ्री, मान लो एम वन एम टू एम थ्री प्लस एट एट लाइन के प्रूफ स्टेटमेंट है। मेरे ख्याल से कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको टफ माना जा सके। तो बाकी लोग आप बताइएगा कि क्लियर हुआ या नहीं हुआ। यस सर। चलिए ठीक है। तो बच्चों इसको एक्सटेंशन भी कर सकते हैं नोट करके, लेकिन मैं आपको उतना डिटेल पे नहीं ले जा रहा हूँ, लेकिन आप नोट कर सकते हैं। तो जनरल ये है, इन जनरल इफ ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए थ्री कॉमा एंड सो ऑन ए एन आर एन इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन इंटरसेक्शन ए टू इंटरसेक्शन ए थ्री एंड सो ऑन इंटरसेक्शन ए एन, माना इतने सारे हैं, तो भी आप ध्यान से सोचो। सबसे पहले चलिए हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू, जबकि ए वन हो चुकी है। ये दो में समझ में आया पहले? हेलो। हाँ अरे भाई ये तो मैं पढ़ा ही रहा हूं ना अभी, दो के लिए आपने क्या लिखा है? देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जबकि ए हो चुका है, इतना ही लिखना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू जबकि ए वन हो चुका है इंटू तीसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए थ्री जबकि ए वन और ए टू दोनों हो चुके हैं। क्यों भाई? तो बच्चों अगला क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फोर ए वन इंटरसेक्शन ए टू इंटरसेक्शन ए थ्री एंड सो, इतना ही तो सोचना है। तो ये जनरल मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, इसी फॉर्मेट में याद करना ज्यादा अच्छा है। क्लियर हो पाया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या है? हाँ। अच्छा, अगर इवेंट्स इफ इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट बताई थी मैंने क्या होती है, दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, इसका मतलब है
कि किसी एक के होने या ना होने का दूसरे पर कोई फर्क ना पड़े, ना तो होने का कोई फर्क पड़े, तभी तो इंडिपेंडेंस नाम से ही क्लियर है कि दो घटनाएं आपस में इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी एक के होने ना होने से दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये क्लियर है? हाँ। तो फिर अगर ऐसा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होना चाहिए? जरा दिमाग डेफिनेशन पे जाओ और आंसर सोचो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या है पहले ये बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए विन बी इज ऑलरेडी हैपेंड, मतलब ए की अकरेंस की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका है। और अगर वो इंडिपेंडेंट हो तो फिर उसमें तो उन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा। नहीं, डेफिनेशन में जाओ, जब बी हो चुका है और इंडिपेंडेंट है तो बी हो चुका है तो हमें क्या करना है, ये तो इंडिपेंडेंट है ना, हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, वो पी ए ही आएगा। ए के होने के कितने चांस है जब बी हो चुका है? अरे जब इंडिपेंडेंट है तो बी हो चुका है या नहीं हो चुका है हमें क्या मतलब, आप डेफिनेशन पे जाइए कि दो इवेंट्स आप कह रहे हैं इंडिपेंडेंट है, अगर वो इंडिपेंडेंट है तो फिर बी हुआ, अगर बी के होने से फर्क पड़ रहा है तो फिर वो इंडिपेंडेंट कहां हो गए भाई, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? मैं बार बार कह रहा हूं, बी हो चुका है या बी नहीं हो चुका है क्या फर्क पड़ता है, क्लियर है? हाँ। ऐसे एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए क्या हो रहा है, बी के होने के क्या चांस है जबकि ए हो चुका है? इतना ही आएगा? ये कितना हो रहा है, ए के होने के क्या चांस है जबकि बी नहीं हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही रहेगा, इंडिपेंडेंट कह रहे हो ना, जब किसी घटना के होने या ना होने से जब कोई फर्क ना पड़े क्या फर्क पड़ता है, तो खाली कंफ्यूज करने के लिए है सिंपल। अरे भाई जब इंडिपेंडेंट है तो बी हो या बी ना हो क्या फर्क पड़ता है, ये पॉइंट समझने की जब बात थी। तो बच्चों ये बताओ उस सिचुएशन में आपके पास मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या बनेगी, इन दिस सिचुएशन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बिकम्स P of A intersection B क्या बनेगा? P of A into P of B। हाँ, और ज्यादा भी हो तो भी डायरेक्टली सीधे सबका प्रोडक्ट, क्योंकि फिर किसी के होने ना होने का कोई मतलब ही नहीं है, उस समय आप ये दोनों इंटरचेंज कर सकते हैं। बेसिकली ये इंडिपेंडेंट इवेंट होने की कंडीशन है, दिस इज the condition of independence of events, dependence of events, मतलब साबित करो कि ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट। अच्छा जी, तो इसी फॉर्मूले से साबित होगा बच्चों, पी ए निकालो, पी बी निकालो, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालो, फिर पी ए पी बी को मल्टीप्लाई करो, देखो अगर वो P of A intersection B के बराबर है तो इंडिपेंडेंट है, वरना नहीं है, कई सवाल मिल जाएंगे।
क्लियर हो पाया इतना? हाँ अच्छा, तो ऐसे सिचुएशन में इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट तो और भी फॉर्मूले बन सकते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? ये हुआ. आप कह रहे हो कि ये इंडिपेंडेंट है तो ये पी ए इंटू पी बी हो जाएगा. हाँ. अच्छा, ऐसे कर दो, वन माइनस वन प्लस पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए पी बी. वन ऐड कर दिया, वन सब्ट्रैक्ट कर लिया, कॉमन ले लो माइनस, तो क्या आ जाएगा अंदर? वन माइनस पी ए माइनस पी बी प्लस पी ए पी बी, ऐसा लिख सकते हैं. ये कैलकुलेशन है. वन माइनस पी ए तो ठीक है, ऐसे ही रहने दो. माइनस पी बी कॉमन ले लो तो यहां भी आ जाएगा वन माइनस पी ए. वन माइनस पी ए कॉमन ले लेते हैं तो वन माइनस पी बी आ जाएगा. तो ये हो जाएगा वन माइनस, वन माइनस पी ए कितना हुआ? पी ए बार और पी बी. हाँ. तो नए नए तरीके से निकाल पा रहे हैं आप फॉर्मूले. अच्छा, ऐसा भी हो सकता है P of A intersection B, ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये स्पेशल केस है. जब इंडिपेंडेंट है तब हो रहा है ऐसा. तो ये केवल मैथमेटिकल वो है, इसको फॉर्मूला याद नहीं करना है, कोई जरूरत नहीं, बस समझना है चीजों को कि अच्छा ऐसे लिया. तो उम्मीद है इंडिपेंडेंट इवेंट समझ में आ रही होंगी कि दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो उनका क्या मतलब है. ठीक है. हाँ. अब जब क्वेश्चन करोगे तब चीजें समझ में आने शुरू होंगी कि इसमें और क्या क्या नई समस्याएं आएंगी. तो पूरा समय पड़ा हुआ है, कैलकुलेशन करो, क्वेश्चंस को करो. मैं आज इतना ही करता हूँ इसमें.